हेलो एंड वेलकम टू टेक्नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं हूं अधर रश्मि टेक्नो इंडिया से। आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसे हम टॉपिक दे सकते हैं ईप्रोम। ये पूरा वीडियो जो है ये ईप्रोम के बारे में है। तो ईप्रोम कैसा दिखता है, कितने प्रकार की आईसीज होती हैं और इसका हमारी फील्ड में मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है, ये मैं आज आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर ईप्रोम होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, एक एक बारीकी इसके बारे में आज आपके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है उस कंप्यूटर मेमोरी के अंतर्गत ही हमारा ईप्रोम आता है। देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी हम सभी जानते हैं कि जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, इस डाटा को स्टोर करने के बाद इसको दोबारा रिट्राइव करते हैं। हमारे पास में दो प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है। एक कंप्यूटर मेमोरी जो है वो कहलाती है वोलेटाइल मेमोरी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वोलेटाइल मेमोरी की हिंदी में अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है अस्थाई, या हम बोल सकते हैं टेम्परेरी, मतलब जिसमें डाटा जो है हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता। उदाहरण के लिए आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम शॉर्ट में रैम कहते हैं। रैम में जो डेटा होता है वो केवल प्रोसेसिंग के लिए आता है और प्रोसेसिंग होने के बाद ऑटोमेटिकली वो नष्ट हो जाता है या फिर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू या किसी प्रोसेस के द्वारा वो डिलीट हो जाता है। उदाहरण के लिए आप जैसे कोई ट्रिप में जाते हैं तो ट्रिप में अगर आप या आप किसी ट्रिप में जा रहे हैं तो ट्रिप को अगर आप रीसेट कर देते हैं तो वो डाटा टेम्प्रेरी होता है। कैलकुलेटर में जो आप मेमोरी यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस करने के बाद, कैलकुलेशंस जो हैं वो गायब हो जाते हैं। तीसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, आप मीटर टैक्सी में चढ़े हैं, उसमें आपका मीटर रीडिंग चल रहा है, उसके बाद फिर वो जैसे ही ऐसे मीटर गिराता है टिंग करके, उसके बाद फिर जैसे वैसे रिसेट करता है, तो ये सब जो डाटा होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं। और अगले दिन जब वो टैक्सी ड्राइवर जो है उसको फिर से ऑन करता है तो उसको पिछले दिन का डाटा नहीं दिखाई देता। कुछ अगर वो सेव करके रखा है तब वो दिखाई देगा, लेकिन इस टाइप की चीज़ों के लिए हमें वोलेटाइल मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है आपका नॉन वोलेटाइल। अब यहाँ पे इसको नॉन अस्थाई मतलब अब ऐसा है कि इसको अपन बोल सकते हैं परमानेंट, ठीक है, इसके लिए हमारे पास में वर्ड है स्थाई। तो यहाँ पे इसका नाम जरूर नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसी के अंतर्गत हमारी ईप्रोम डेटा आती है। इसमें अगर आपने कोई डाटा एक बार डाल दिया तो वो कभी भी बदलेगा नहीं। इसे मैं एक छोटा सा फनी एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपने शोले का सीडी लेके आया जिसमें अमिताभ बच्चन और अमजद खान ये एक्टर्स थे। अब आपने शोले की सीडी लेके आई, अगर आप उसको किसी सीडी प्लेयर में चलाएंगे तो क्या होगा भाई, शोले ही चलेगा ना, छोले तो नहीं चलेगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि आपने अगर ईप्रोम में कुछ भी एक बार डेटा डाल दिया तो वो हमेशा के लिए उसमें रहता है। तो यही ईप्रोम डेटा हम यूज़ करते हैं अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो नॉन वोलेटाइल का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि ईप्रोम जो इसका एग्जांपल है, फ्लैश मेमोरी जो आप यूएसबी ड्राइव यूज़ करते हैं, हार्ड ड्राइव जो आप यूज़ करते हैं, ये सब के सब किसके एग्जांपल्स हैं ईप्रोम के। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है, मतलब इसकी जो विशेषताएँ होती है वो ये होती है कि आप इसमें एक बार डाटा को अगर सेव करेंगे तो बाद में निकाल भी सकते हैं पावर ऑफ करने के बाद, और थोड़ा सा इसका एक्सेस टाइम जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी से थोड़ा सा कम होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं कि हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के हिंदी में लिखा है आपके लिए कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है यहाँ पे एग्जैक्टली इसको क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ईप्रोम को जितने भी हमारे व्हीकल होते हैं उसके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, तो इनको सबको सेव करके रखने के लिए हम ईप्रोम डेटा का यूज़ करते हैं। ईप्रोम एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसे इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है। तो ईप्रोम का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है, जो इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सके और वापस से उसको प्रोग्राम भी किया जा सके। तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। अब ये जो पावर बंद होने के बाद में इसका डाटा बंद होने की जो इसकी खूबी है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आपका कार का इंजन ऑफ भी हो गया, आपकी बैटरी डाउन भी हो गई, आपने बैटरी चेंज की, कुछ भी की, जैसे आप घड़ी को देखते हैं कि घड़ी का बैटरी अगर डाउन हो जाए, डिजिटल क्लॉक अगर आपके पास में है तो अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, दोबारा नया बैटरी लगा रहे हैं, तो क्या होता है उसका जो टाइम है फिर से आपको सेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपके पास में उसमें ईप्रोम अगर आप लगा देंगे तो ये प्रोग्राम के लास्ट स्टेट में सेव हो जाता है और फिर जब आप उसको चलाएंगे तो वहीं से चालू हो जाएगा। तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक्चुअल में इस ईप्रोम के क्या क्या एप्लीकेशन हैं अब हम वो देखेंगे। तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है कन्फिग्रेशन और कैलिब्रेशन ऑफ डेटा। देखिए, कन्फिग्रेशन करने का मतलब आप जैसे चाहते हैं कि आपका जो कार में ट्रिप है वो आप दो तीन बार सेट कर सकें तो ये कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आ गया। कैलिब्रेशन का मतलब अगर आप कोई रिमोट को सेट कर रहे हैं अपनी कार के अंदर में,
ठीक है। तो ये सारी जो सूचनाएं हैं वो इसके अंदर में सेव होती है। ये पहला इसके ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा है एडाप्टिव लर्निंग। एडाप्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि आप इसमें कुछ कुछ चीज़ें सेव करके रख सकते हैं। जैसे आजकल की जो गाड़ियाँ आती काफ़ी हाईटेक होती हैं, वो केवल आपको ही पहचानता है। अगर आप सीट पर बैठेंगे तो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये जो छोटी सी चीज़ है ना, इसको ये सेव करके रखता है ताकि कोई दूसरा बैठे। तो अभी जैसे हुंडई क्रेटा आई है, हुंडई क्रेटा का जो लेटेस्ट टॉप मॉडल है उसमें ये वाले फीचर्स लगे हुए हैं। तीसरा है फॉल्ट कोड और जो डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन है, इसको अपन हिंदी में नौकरी बोलते हैं। तो फॉल्ट कोड का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई एरर है तो उसमें सेव हो जाएगी। जैसे चेक इंजन की लाइट जल रही है या फिर किसी भी तरीके का आप कोई भी स्कैनिंग कर रहे हैं, तो वो भी डेटा जो है आपके ईप्रोम में स्टोर हो सकती है। चौथा है आपका सिक्योरिटी और इमोबिलाइजेशन सिस्टम, मतलब जो इमोबिलाइजर होता है जिससे अपन गाड़ी के इंजन स्टार्ट करते हैं, और जो आपका सिक्योरिटी फीचर्स होता है, डोर लॉकिंग है, की प्रोग्रामिंग है, ये सारी चीज़ों के भी जो डेटा है आपके ईप्रो में ही सेव होते हैं। फिर आता है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट और अपग्रेड से संबंधित जो सूचनाएं हैं इसमें स्टोर होती हैं। और लास्ट में आता है आपका माइलेज और जो सर्विस हिस्ट्री होती है कि आपने लास्ट टाइम सर्विस कब करवाई थी और आपका माइलेज, आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है, कितने ईंधन की खपत हो चुकी है, इंजेक्टर कितना पुराना है, ऐसे टाइप की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये सारी चीज़ों को सेव करने के लिए हम ईप्रोम का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आपका एक्चुअल में ईप्रोम कौन कौन से अलग अलग फील्ड में यूज़ होते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर लैपटॉप्स में इसका इस्तेमाल होता है, फ्लैश ड्राइव में, माइक्रो कंट्रोलर्स और एम्बेडेड सिस्टम में, स्मार्टफोन जिसमें आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्टफोन्स या मोबाइल डिवाइसेस में, डिजिटल कैमरास में, प्रिंटर्स में, टेलीविजन सेट टॉप बॉक्सेस में, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये हमारा वाला फील्ड आ गया। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने आपको छह एग्जांपल दिया। फिर आता है आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर हो गया, RFID जैसे कि फास्टैग को आप यूज़ करते हैं उसमें हो गया, स्मार्ट कार्ड्स जो आप यूज़ करते हैं, फिर आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गई, और लास्ट में आती है मेडिकल डिवाइसेस जिससे आपको डायग्नोस करके आपकी बीमारियों का, या बीमारियों का नहीं मतलब आपको डायग्नोस करके स्कैनिंग करके जो इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है वो हो गया। फिर आता है आपका कि हमारी फील्ड में मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो ICs होते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए जो मोस्ट कॉमन तीन ICs हैं वो 24C सीरीज से चालू होंगे। आप कोई भी जैसे ओडोमीटर को आप देखेंगे तो ओडोमीटर के अंदर में आप जो IC प्रिंटेड देखेंगे बहुत ही स्मॉल रहती हैं। ये आपको मैंने काफ़ी जूम करके फोटो दिखाया है यहाँ पे, तो उसमें कुछ इस तरीके का सीरियल नंबर यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से आपको दिखाई देगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरी सीरीज होती है 95CXX सीरीज, और तीसरी सीरीज होती है 93CX। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों की साइज जो होती है लगभग सेम होती है, और यही सीरीज की जो ICs हैं वो हमारी इंडस्ट्री में चलती हैं। अब आती है ये हमारा ईप्रोम के बारे में पूरा जानकारी कंप्लीट हो गया। इस ईप्रोम को प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो इसको प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला, ये जो हार्डवेयर आपको दिख रहे हैं तीन अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर हैं। ये सबसे पहला हार्डवेयर है, इसका नाम होता है CS341 प्रोग्रामर। इसको किसी चाइनीज ने बनाया था, इसका नाम इसने रख दिया CS341। तो ये प्रोग्रामर सबसे सस्ता आता है, लेकिन इसके लिए आपके पास में कोई एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होता है। तो आप इसके डेटा को पढ़ने के लिए इसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद में आप इसके जो डेटा है इसमें आप ईप्रोम आईसी यहाँ पे लगाते हैं किसी सॉकेट के द्वारा या चिमटा के द्वारा, और इसके बाद में फिर आप इसके डाटा को पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपका रेड UPA और ब्लैक UPA। तो ये रेड UPA थोड़ा सा कम कॉस्टियर होता है अगर आप कंपेयर करेंगे तो ब्लैक UPA से, लेकिन रेड UPA के साथ में आपको स्क्रिप्ट लगानी होती है, उसके बाद में ही आप इसमें काम कर सकते हैं। और लास्ट में आता है आपका ब्लैक UPA, इसके साथ में आपको स्क्रिप्ट भी दी जाती है ताकि आप किसी भी जो IC से संबंधित मॉडिफिकेशंस हैं, आप कोई डाटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, हम केवल ईप्रोम के बारे में आज बात की है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब आपको मैं और भी जानकारी दूंगा। मैंने पिछले 3-4 वीडियोस जो हैं वो रेड UPA के ऊपर में, और जो ईप्रोम का डेटा है उसको आप हेक्स एडिटर को कैसे एडिट कर सकते हैं, मीटर करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने दिया था। तो इन सब चीज़ों को मिला के अगर आप एक साथ देखेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो।